पर टू डिवेसी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेस। हाँ एक्सवा सरफेस है, हाँ प्लेन सरफेस है, प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। लेट xy be plane reflecting surface, ठीक है, हा प्लेन रिफ्लेक्टिंग सर्फेस आहे। याच्यावर असे दोन वे इन्सिडेंट झालेले आहेत। कन्सिडर PA अँड QC, आणि ये जो है ये दो वे ऐसे आ गए। फिर क्या करना है, इसको चौक यहां पे रखना और स्पेयर निकाल लेना इसे। ऐसा स्पेयर निकाल लेना, हेमी स्पेयर निकाल लेना पहले। अब बाद में बताता बाद में कि क्यों निकाला। और ये जो है ये चौक में डिस्टेंस लेना इतना, फिर चौक यहां पे रखना और ये टिक मार्क कर लेना और ऐसी वेवफ्रंट निकाल लेना। ये बी यानी वेवफ्रंट, ए बी यानी क्या है वेवफ्रंट। लेट ए बी बी प्लेन वेवफ्रंट, प्लेन वेवफ्रंट बाउंडेड बाय, ऐसी वेवफ्रंट आ गई है। टू पैरेलल वेज, इसको इंसिडेंट वेव बोलेंगे अपन, पैरेलल वेज पी ए एंड क्यू बी विच इंसिडेंट ऑन, क्यों एंड बोलो एंड इंसिडेंट ऑन, ये जो वेव फ्रंट है किसके ऊपर इंसिडेंट हो रही, एक्सवाई सरफेस, एक्सवाई सरफेस इंसिडेंट ऑन एक्सवाई सरफेस। तो एक्सवाई ये सरफेस है, ए बी ए प्लेन वेव फ्रंट है, ऐसे आ गए। देखो ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है बीसी, ये और ये सेम होना चाहिए, ये याद रखना, ये और ये सेम होना चाहिए तो ही तुम्हारी डायग्राम क्लियर हो जाएंगी। एक्स वाई बी प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ए बी इज ए प्लेन ओपन बाउंडेड बाय टू पैरेलल वेज, ये ऐसे आ गई प्लेन ओपन बाउंडेड बाय टू पैरेलल वेज, पी ए एंड क्यू बी इंसिडेंट ऑन एक्स वाई सरफेस। इसके बाद में अब देखो ये जो वे है इसको यहां से यहां तक आने के लिए टी टाइम लग गए, ठीक है। द वे क्यों वेवफ्रंट बोलेंगे अपन, वेवफ्रंट ट्रेवल फ्रॉम बी टू सी इन अ टाइम टी एंड कवर से डिस्टेंस वी टी। कौन से फॉर्मूले से, ये फॉर्मूले से, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मालूम है तो चला फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, स्पीड वी डिस्टेंस अपॉन टी, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वी टी। तो देखो ये जो वेव फ्रंट है यहां से यहां तक आ गई, यहां से यहां तक आने के लिए उसको टाइम कितना लग गया है टी, कवर से डिस्टेंस वी टी, ये बीसी डिस्टेंस है वी टी। वी क्या है, वेयर वी बी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, वी क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है, ये पॉइंट हो गया क्लियर। अब देखो ये जो वेव फ्रंट है यहां पे टच हुई, ये ऐसे आ गई, यहां पे टच हो गई, जब ये यहां पे टच होंगी अकॉर्डिंग टू हुइजन प्रिंसिपल पॉइंट ए बिकम सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट व्हेन वेव फ्रंट टचेस पॉइंट ए देन पॉइंट ए becomes secondary source of light। ये वेव फ्रंट ऐसे आ गई,
जब यहां पे टच करेंगी तो पॉइंट ए जो है ये सेकेंडरी सोर्स बन जाता एंड इमिटेड सेकेंडरी वेव्स, इमिटेड सेकेंडरी वेव्स, यहां से सेकेंडरी वेव्स निकलेंगे और यहां से जो सेकेंडरी वेव्स निकलेंगे कवर्स ए सेम डिस्टेंस व्हिच कवर्स डिस्टेंस इक्वल्स टू वी टी, यानी यहां से यहां तक जाने के लिए जो टाइम लग गया है वो वी टी है, यहां से यहां टी टाइम है और डिस्टेंस क्या हो गया वी टी, यहां से यहां तक आने के लिए टाइम टी है और डिस्टेंस क्या हो गया वी टी। द हेमिस्फीयर, ये स्पेयर निकाल लिया अपन ने, ऐसा ये स्पेयर निकाल लिया, टेकिंग सेंटर एज पॉइंट ए, सेंटर एज पॉइंट ए एंड रेडियस व्ही टी, म्हणजे एवढा रेडियस घेऊन व्ही टी एवढा डिस्टन्स घेऊन, म्हणजे व्ही टी म्हणजे बीसी, इतना डिस्टन्स लेके ये स्पेयर निकाल लिया और सेंटर ये लिया, ये जो स्पेयर निकाला है ये स्पेयर को बोलते सेकेंडरी वेवलेट्स, दिस पेयर रिप्रेजेंट सेकेंडरी वेवलेट, इसको सेकेंडरी वेवलेट भी बोल सकते हैं अपन, ये जो स्पेयर निकाला है ठीक है। अब उसके बाद में क्या करना है, इतना जो है ये जो एबी वेव फ्रंट है इतनी लेंथ यहां पे ले लो, सीडी निकालो, द टेंजेंट सीडी टू हेमिस्फीयर, ये जो हेमिस्फीयर है सेकेंडरी वेवलेट्स है उसको टेंजेंट निकाल लिया सीडी, इतना ही निकालना, जितना ये है उतना निकाल लेना ये सीडी, ये जो टेंजेंट निकाला है ये दिस टेंजेंट सीडी रिप्रेजेंट रिफ्लेक्टेड प्लेन वेवफ्रंट, ये रिफ्लेक्टेड प्लेन वेवफ्रंट है, ऐसे आ गए हो ऐसे चल गए, फिर यहां से ऐसे भी निकाल लेना ऐसे दो सी एस ए आर, इसको बोलना है रिफ्लेक्टेड वे एंड एयर रेज, एयर एंड सी एस इज रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट, ये रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट है, ऐसे तुमको इसके अंदर दो ट्रायंगल दिखना चाहिए ए बी सी ए डी सी, समझ में आया ना, ऐसे दो ट्रायंगल दिखना चाहिए इसके अंदर, ऐसी वेवफ्रंट आ गई हो और ऐसी चली गई, यहां से यहां तक के लिए टी टाइम लग गया, उतनी टाइम में ये डिस्टेंस में ये वेवफ्रंट यहां पे आ गई तो ऐसी चली गई, इंसिडेंट वे रिफ्लेक्टेड वे, अब यहां पे ऐसी नॉर्मल निकाल लो, ये नॉर्मल, ये क्या है नॉर्मल, इसको नॉर्मल बोलेंगे ठीक है, एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, एंगल बिटवीन ये एंगल देखो, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ठीक है। अब ये ट्रायंगल तुमको सोचना, ये ट्रायंगल ए बी सी, इनर ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल के अंदर इसकी वैल्यू निकालना है तुमको, इसकी वैल्यू ट्रायंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल आई, इसकी वैल्यू आई हुई थी, वो आई कैसे हुई थी देख लो, देखो ये प्लेन वेव फ्रंट है तो यहां से यहां तक क्या है ये 90 डिग्री है, ये एंगल कितना है 90, तो ये एंगल कितना बन गया अभी, ये बन गया 90 माइनस आई ठीक है, तो ये कितना बन गया अभी ये एंगल
तो 90 माइनस आए प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 90, ये टोटल 90 है, ये टोटल 90 है, 90 माइनस आए प्लस बी ए सी इज इक्वल टू 90, 90 कैंसल, तो बी ए सी माइनस आए तो इधर गया प्लस आए, तो एंगल बन गया है, ठीक है, हा एंगल आ झाला तयार आपला। ये डायरेक्ट भी ख्याल में लग गया तो चलता एंगल। अब ये जो ट्रायंगल है, इनर ट्रायंगल डी सी ए, ये डी सी ए, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल की स्केल निकालना है तुमको, ट्रायंगल डी सी ए इज इक्वल टू एंगल आर, स्केल में एंगल आर बैठी है, वो कैसे बैठी एंगल आर वो बता देता हूं मैं तुमको, ये डायरेक्ट भी लिख लिया तो चलेगा लेकिन बता देता, ये 90 डिग्री है, ठीक है, 90 प्लस डी सी ए प्लस ये तीनों, और ये एंगल देखो, ये अभी ये एंगल कितना, ये कितना है आर, तो ये कितना बन गया है 90 माइनस आर इज इक्वल टू 180, ट्रायंगल की तीनों एंगल की एडिशन 180, 90 प्लस 90 180 कैंसल, तो डी सी इज इक्वल टू आर, इसलिए डी सी इज इक्वल टू आर लिखा मैंने, ठीक है, ये हो गया। अब इसको तुमको दो ट्रायंगल दिख रहे, कौन से दो ट्रायंगल, ए बी सी, ए डी सी फॉर्म फिगर, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल का स्टडी को एसी कॉमन है, फॉर्म फिगर एसी कॉमन, एसी कॉमन, एसी कॉमन साइड है। बाद में ये जो एंगल है ये दोनों 90 डिग्री है, यानी एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी सी इज इक्वल टू ए डी सी, ठीक है, तो ये 90 डिग्री है, अब ये जो 90 डिग्री है दोनों, तो ये जो एंगल है अभी कौन सा एंगल बाकी रह गया, ये साइड देखो, अभी बी सी, बी सी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू बी टी, क्योंकि अपन ने जो स्पेयर निकाला है ये बी सी इक्वल टू डिस्टेंस लिया था, देखो दो साइड सेम है, एंगल सेम है, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी आर कॉन्ग्रुएंट, आर कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट है, दो मिनट, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है देखो तो ये एंगल सेम होना चाहिए, इसका एंगल ए बी सी का एंगल बी ए सी का एंगल, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर, यानी एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी सी ए, जो बाकी एंगल जो है ये भी सेम होना चाहिए, यानी बी ए सी इक्वल टू डी सी ए, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये पहला लॉ है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, पहला लॉ, यह है पहला लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये पहला लॉ। दूसरा लॉ ये देखो, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, सेकंड लॉ, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइट इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन के अंदर है, जैसे एक्स वाई प्लेन है ये, इसके अंदर है। और तीसरा लॉ ऐसा है कि इंसिडेंट वे एंड रिफ्लेक्टेड वे, इंसिडेंट वे एंड रिफ्लेक्टेड वे लाइट अपोजिट साइड ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल के अपोजिट, ये नॉर्मल है, इधर इंसिडेंट वे इधर रिफ्लेक्टेड वे, इट इज कॉल्ड एज ए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन।
तो देखो ये आर्टिकल कंप्लीट हो गया है। ये आर्टिकल में तुमको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव करना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये डायग्राम निकालना है, डायग्राम की प्रैक्टिस करना पड़ेगा तुमको। जो टेक्निक से मैंने डायग्राम निकाली है वो टेक्निक से तुमको डायग्राम निकालना है। डायग्राम में पेंसिल से निकालना है,